गुड मॉर्निंग क्लास फाइव. ओके, नाउ वी आर डूइंग आर चैप्टर 10 विच इज़ करेंसी. अभी करेंसी में हमने करेंसीज के एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन सीखे, और उसके बेस पे हमने 10.1 में वर्ड प्रॉब्लम करी. नाउ द करेंसी, करेंसी में एक और आपका बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल एंड कैश मेमोज. ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है बिल और कैश मेमोज का. ओके, इसमें बिल्स बनाना, बिल्स को करेक्ट करना, ये हम सीखेंगे. अब ये बिल्स हम बनाते कैसे हैं? अब बिल्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ डेटाबेस आते हैं. आपको पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ता है बिल का. ओके, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू कम टू द कंक्लूजन्स. तो क्वेश्चन सपोज करो कुछ ऐसे आते हैं, जैसे कि अगर हम आपके पेज नंबर बुक में, पेज नंबर 53 पे अगर आप एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वन, तो उसे आप देखेंगे तो इट शोज लाइक दिस. रूपचंद, रेजिडेंट ऑफ पुष्कर, हैज बॉट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द राजस्थान स्टेशनर किशनगढ़ अजमेर. मतलब रूपचंद जो पुष्कर में रहता था, उसने राजस्थान स्टेशनर्स किशनगंज अजमेर में कुछ सामान लिए. अब उन सामानों की आपको लिस्ट दी हुई है. ठीक है, कौन सा सामान, कितना सामान, और उस एक एक सामान का रेट आपको दिया होता है, और इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको बिल बनाना होता है. तो फर्स्ट स्टेप, हम बिल का पहले फॉर्मेट बनाना सीखेंगे कि हमें बिल बनाना कैसे है. ठीक है, व्हाट विल बी द फॉर्मेट लाइक. सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू नोट, आपको पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि इसमें आइटम्स कितने हैं, कितने आइटम्स खरीदने गए. ये आइटम्स 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, टोटली डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें 7 आइटम्स की बात हो रही है. ठीक है, तो इस 7 आइटम्स का फॉर्मेट ऐसे बनता है कि आपको एक पूरा ब्लॉक बनाना है जिसमें आपको एक हेडर छोड़ना होता है ऊपर मोटा, और ऐसा ही एक हेडर छोड़ना होता है नीचे टेल में, नीचे यहाँ पे. तो ये जो आप दो ब्लॉक्स देख रहे हैं, ये दोनों बड़े ब्लॉक्स आपको ऊपर और नीचे छोड़ने हैं, एंड बीच में आपको इक्वल ब्लॉक्स छोड़ने हैं, पतले पतले. जैसे कि यहाँ पे 7 आइटम्स हैं तो आपको इससे दो ज़्यादा छोड़ने हैं. जैसे कि अगर इस क्वेश्चन में 7 है तो मैंने यहाँ पे 9 छोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, 9 छोड़ने हैं. तो एक हेडर आ जाएगा, एक ब्लॉक आ जाएगा, और बीच में जितने आपके आइटम्स हैं उससे दो ज़्यादा. हेड लिया, उसके बाद आते हैं आइटम्स थे 7, तो आपने 9 बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट में एक और आपने ऐसा ब्लॉक बना दिया. तो ये आपका फॉर्मेट बन जाता है पूरा. अब इस फॉर्मेट में हमें इसको, चीज़ों को भरना कैसे है. फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, लेफ्ट कॉर्नर पे, टॉप पे, यहाँ पे आता है आपका बिल नंबर, राइट कॉर्नर पे आती है डेट. ठीक है, और बीच में आता है कंपनी का नाम जिससे आपने सामान खरीदा है. जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सामान खरीदा गया है राजस्थान स्टेशनर्स किशनगढ़ अजमेर से, तो वो बीच में आएगा. यहां पे आपको यहां पे लिखना पड़ेगा राजस्थान स्टेशनरीज किशनगंज अजमेर. ठीक है, और यहां पे आएगा नेम जिसने सामान खरीदा, नेम, और उसकी एड्रेस है तो एड्रेस भी. ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको बिल नंबर मिले या डेट मिले. हो सकता है आपको बिल नंबर ना मिले किसी क्वेश्चन में, तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं. डेट आपको पता चली जाएगी उस दिन की. ठीक है, ये आपको मेसर्स हमेशा मिलेगा कि सामान किससे खरीदा गया है, ये हमेशा आपको मिलेगा कि किसने खरीदा है. हो सकता है उसमें एड्रेस ना हो तो आप केवल नाम लिखेंगे, अगर नाम के साथ एड्रेस दी हुई है क्वेश्चन में तो नाम और एड्रेस दोनों मिले, दोनों लिखेंगे. जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे आपको नाम दिया हुआ है रूपचंद, और रेजिडेंट ऑफ पुष्कर, तो हमें पता है रूपचंद पुष्कर में रहते हैं, तो हम यहाँ दोनों लिखेंगे. रूपचंद ने सामान लिया तो यहाँ पे लिखेंगे रूपचंद कॉमा पुष्कर. तो इस ऊपर वाले ब्लॉक से हमें पता चल जाता है कि किस दिन को सामान लिया गया, किससे सामान लिया गया, किसने सामान लिया, और उसका बिल नंबर क्या था. बिल नंबर लेफ्ट कॉर्नर में, डेट राइट कॉर्नर में, जिससे सामान लिया जा रहा है मिडिल में, और जिसने सामान लिया यहाँ पे नेम एंड एड्रेस. तो ये आपका फर्स्ट ब्लॉक पूरी तरीके से तैयार हो जाता है. अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं जो आपकी ब्लॉकिंग है. ठीक है, तो ब्लॉकिंग में आप एक छोड़ के आप पहले तो नंबर लिख लें. हमारे पास टोटल कितने आइटम्स हमको लिखने थे, 7. तो आपको एक छोड़ के यहाँ से लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स. यहाँ पे 7 आइटम आ जाएंगे, पुट अ लाइन हियर, 7 तक,
सात तक आपको यहाँ पे लाइन खींचनी है। इसके बाद आता है आइटम्स का नेम, आइटम्स का रेट, आइटम्स की क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सीरियल नंबर जो आपने पहले लिख दिया था सात तक। इसके बाद कौन कौन से आइटम्स हैं, नेम ऑफ आइटम्स जो भी हम खरीदेंगे, उसका रेट, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी। ये तीन चीज़ें हमें क्वेश्चंस में दी होती हैं, ये तीन हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आता है टोटल अमाउंट जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। ये तीन चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी होंगी, ये हमें निकालनी है। और नीचे जाके लास्ट में हमें यहाँ पे टोटल निकालना है, ठीक है। और लास्ट में हमें यहाँ पे सिग्नेचर लेने होते हैं बिल पे। ये आपका टोटल फॉर्मेट बन गया इस तरीके से। आपको ध्यान में क्या क्या चीज़ रखनी, शुरुआत से अगर वापस देखें तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे ऊपर एक ब्लॉक छोड़ा, जितने आइटम्स थे उससे दो ज़्यादा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, सात आइटम्स थे हमने नौ छोड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये वाला भी ब्लॉक बताऊंगा ये क्यों लिया जाता है। यहाँ पे जो टोटल नंबर आता है ना उसका हम वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम वर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बनेगा, यहाँ पे आपका सीरियल नंबर आएगा, नेम ऑफ द आइटम, रेट एंड क्वांटिटी, बिकॉज ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हैं, और लास्ट में अमाउंट जो हमें कैलकुलेट करना है। अब सपोज करो अगर इसी क्वेश्चन को, रूपचंद वाले क्वेश्चन को अगर हमको यहाँ पे करना हो तो हम क्या करेंगे। तो देखो पहला आइटम उसने क्या लिखा है, पहला आइटम लिखा है उन्होंने 18 प्रैक्टिस बुक, ठीक है। नेम ऑफ द आइटम क्या है, प्रैक्टिस बुक। कितनी उसका रेट कितना है, रेट लिया हुआ है 4 रुपीज 75 पैसे, और कितनी ली गई है 18, हो गया पहला आइटम। दूसरा आइटम है ज्योमेट्री बॉक्स, कितना है कितनी रेट है ज्योमेट्री बॉक्स की, 32 रुपीज, और कितने लिए गए हैं, क्वांटिटी कितनी है, एक ज्योमेट्री बॉक्स लिया गया है। थर्ड है पेंसिल्स, पेंसिल का रेट है 1 रुपी 25 पैसे, एंड कितनी पेंसिल्स ली गई हैं, 10। फोर्थ लिया गया है पेन्स, प्राइस है 18 रुपीज पर पेन, और ली गई है 5। फिर उसके बाद है आपका गम लिया गया है 1 लीटर, प्राइस है 90 रुपीज 25 पैसा, और कितने लीटर लिया गया है, 1 लीटर, ओके। उसके बाद रजिस्टर्स लिए गए हैं जो नंबर 6th आइटम है, प्राइस है 30 रुपीज पर रजिस्टर, और लिए गए हैं 12 रजिस्टर इन टोटल। और लास्ट है आपकी डायरीज जो कि 60 रुपीज़ है पर डायरी, एंड 5 डायरीज ली गई हैं। ये आपका टोटल बन गया। अब आपको जो अमाउंट निकालना है ये निकालना है इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, 4 रुपीज़ 75 पैसा को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 रुपीज़ 75 पैसा को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स टू 85 रुपीज़ 50 पैसे, 32 into 1 32 रुपीज़। अब ये 1 रुपीज़ 20 पैसा into 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 12 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक है। 18 into 5 90 रुपीज़, 90.25 into 1 तो 90 रुपीज़ 25 पैसा, 30 रुपीज़ into 12 दिट कम टू 360 रुपीज़, और 60 रुपीज़ into 5 300 रुपीज़, ये आ गया टोटल। अब इन सब का हमको टोटल मिला के यहाँ पे लेकर आना है, ठीक है। इनका टोटल मिला के हमें यहाँ पे आना है विच कम्स टू 970 रुपीज़ 25 पैसे। अब ये जो अमाउंट आया है टोटल, इसको हमको वर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिखना है, 970 रुपीज़ 25 पैसे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 975 रुपीज़ 25 पैसे। ये आपका बिल कंप्लीट हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये आपका बिल कंप्लीट हो गया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ गए, आपको सिग्नेचर करने नहीं है, बट दिस इज द फॉर्मेट विच यू हैव टू फॉलो, ठीक है। नाउ कमिंग टू इसमें एक दूसरे तरीके के क्वेश्चंस क्या आते हैं, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में एक बिल दिया हुआ होता है,
आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में एक बिल बना होता है, लेकिन आपको इसके अंदर मिस्टेक्स निकालनी होती है। इस पूरे बिल में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको निकालनी होगी। मेजर ऑफ द मिस्टेक्स है ना कैलकुलेटिव पार्ट में होती है। आइटम्स वही के वही लिखे हुए हैं, रेट आपका ऑलरेडी गिवन होता है, क्वांटिटी गिवन होती है, आपको बेसिकली ये अमाउंट चेक करना होता है। मिस्टेक्स यहाँ पे होती हैं, ठीक है। डोंट गो फॉर द फॉर्मैट, क्योंकि फॉर्मैट बिल्स के अलग अलग आते हैं क्वेश्चंस में। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे बिल नंबर हो, नेम हो, ये हो। आपको जो मिस्टेक्स देखनी है वो यहाँ पे देखनी है कैलकुलेटिव पार्ट में। सारी मिस्टेक्स यहाँ पे होती हैं, तो ये कैलकुलेशंस आपको चेक करनी है, टोटल चेक करना है, और उसके बेस पे आपको इस क्वेश्चंस को करेक्ट करना है। जैसे सपोज करें इस क्वेश्चन की बात करें, आपको एक बिल दिया होगा क्वेश्चन में और आपसे पूछा जाएगा कि इस बिल के अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, उसको आपको करेक्ट करना है। तो हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे? वी ओनली सी द कैलकुलेशन पार्ट। 20 इंटू 10 गिव्स यू 200, ठीक है। अब 15 इंटू 11 गिव्स यू 165, जबकि यहाँ पे 180 लिखा हुआ है। तो ये बिल आपको पूरा का पूरा वापस बनाना पड़ेगा और यहाँ पे 180 की जगह आपको 165 लिखना है, ठीक है। आपको ये पूरा का पूरा बिल वापस बनाना पड़ेगा, 165 की जगह 180 लिखेंगे आप, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस, ये था आपका 40 रुपीज़ 50 पैसा इंटू 7 kgs, दैट कम्स टू 283.5, जबकि यहाँ पे 243 लिखा हुआ है, तो ये गलत है। यहाँ पे आएगा 283 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है, ये आएगा यहाँ पे। दिस इज़ ओके। 30 रुपीज़ 50 पैसे को 2 kg से करेंगे तो 61 आएगा। नेक्स्ट इज 77 को अगर 3 kg से करेंगे तो 231 आता है, यहाँ पे 213 लिखा हुआ है, तो ये गलत है। यहाँ पे आपको 231 रुपीज़ लिखना होगा। एंड दिस 15 × 6 = 90, इट्स ओके। अब जब इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल भी डिफरेंट आएगा। तो इसका टोटल अगर करें हम कि 200 + 165 + 283 50 पैसे +61 + 231 rupees + 90, दैट गिव्स यू 987 की जगह यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 1030 rupees 50 पैसे, ठीक है। ऐसे आपको करेक्शंस करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्शन होगा तो ये भी हटेगा, 987 की जगह आएगा 1030 rupees 50 पैसे, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप अपनी एक्सरसाइज में देखेंगे, विच इज़ योर एक्सरसाइज 10.2 में देखो, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है कि हेमंत बॉट इतना मिल्क इतना रेट था और पर केजी का रेट दिया हुआ है, घी कितने में लाया, कितना लाया और कितना रेट था, बटर मिल्क कितना लाया कितना रेट था, एंड अकॉर्डिंगली आपको बिल बनाना है। अब इसमें देखो यहाँ पे बिल नंबर दिया हुआ है जो आपको लेफ्ट साइड में लिखना है, डेट दी हुई है जो राइट साइड में लिखनी है, लेकिन यहाँ पे हेमंत का नाम दिया हुआ है लेकिन ये नहीं बताया हुआ है कि उसने ये चीज़ें कहाँ से खरीदी। तो वो जो आपका जो पार्ट है, विच इज़ दिस पार्ट, ये आप अपने मन से कुछ लिख सकते हैं या उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, एनीवेज, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बिल नंबर दिया हुआ है, डेट दी हुई है। अब यहाँ पे देखो, जहाँ से सामान खरीदा गया है उसका नाम भी दिया गया है, उन्नत बीज भंडार भीमराज, ठीक है, उन्नत बीज भंडार कनवास, और किसने खरीदा, भीमराज ने खरीदा, तो उसका नाम भी दिया हुआ है। तो ये चारों चीज़ें इसमें दी हुई, आपको बिल नंबर भी दिया हुआ है, डेट भी दी हुई है, किसी जिससे सामान खरीदा गया है वो भी दिया हुआ है, और जिसने सामान खरीदा है वो भी आया है। तो ये चारों चीज़ें आपको यहाँ से लेके आपको अकॉर्डिंगली अपने बिल में बनानी होंगी, ठीक है, और उस हिसाब से आपको बिल बना के आंसर देना होगा, हाउ मच मनी डिड भीमराज स्पेंड ऑन दी गुड्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऑलरेडी एक बिल दिया हुआ है जिसके अंदर एरर्स हैं, जिसकी बिल परचेस आइटम बाय मानू फ्रॉम ममता जनरल स्टोर महावीर नगर इज गिवन बिलो, चेक द बिल एंड रीराइट आफ्टर करेक्शंस। पहले इसको चेक करो कहाँ कहाँ मिस्टेक्स है और फिर से ये बिल बनाओ और उसमें जो भी करेक्ट अमाउंट है वो लिख के करेक्ट टोटल करके आपको ये बिल बनाना है, एंड दैट विल बी योर आंसर। सेम इन क्वेश्चन नंबर 4, चेक द फॉलोइंग बिल एंड रीराइट आफ्टर करेक्शंस। इस बिल में कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस की मिस्टेक्स हैं, तो आपको वो ना कैलकुलेशंस चेक करनी है, आपको देखना है वो टोटल क्या चेंज होता है, यहाँ पे वो टोटल अकॉर्डिंगली चेंज करना है और आपको इसको ना पूरा बिल रीराइट करके बनाना है। सो दिस विल बी योर असाइनमेंट फॉर टुडे, जिसमें आपको एक्सरसाइज 10.2 के
क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू जिसमें बिल्स बनाने हैं, एंड क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर जिसमें आपको बिल्स के करेक्शंस करने हैं. ऑल द बिल्स यू हैव टू मेक, हर क्वेश्चन में बिल बनेगा ही बनेगा, और जो भी बिल बनेगा वो पेंसिल से बनेगा. ओके, पेंसिल से इसलिए बनेगा कि कल को आपको कुछ करेक्शन करना है. सपोज करो आपने एक बिल बनाया, आपको बाद में पता चलता है कि इसमें कुछ एरर है, तो आप उसको मिटा के सही कर सकते हो. तो बिल्स हमेशा आपके पेंसिल से बनेंगे, और जो भी आसपास का जो भी आप रिटन अगर कुछ लिखना चाहते हो तो वो आप पेन से लिख सकते हैं. ठीक है, सो योर टुडेज असाइनमेंट इज यू हैव टू सबमिट एक्सरसाइज 10.2 फोर क्वेश्चंस, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. Okay, class? Thank you.